भाई सारे भैया ने राम राम। आज इतने फेरबदल हो गए, इतने फेरबदल हो गए कि आदमी आदमी नहीं, कांग्रेस कांग्रेस से एक बयान देने की सोचा इतने दूसरा फेरबदल हो जावे, इतने दूसरे बारे में सोचा इतने भाजपा तीसरा फेरबदल कर दे, तो कांग्रेस कंफ्यूज है अब वो किस प्रतिक्रिया पे क्या प्रतिक्रिया दे। सच बात है कांग्रेस को इतना कंफ्यूज कर दिया भाजपा ने, वो कंफ्यूज हो रही है कि हम इलेक्शन लड़ा के इनके खिलाफ बयान देवा कि हम अपनी तैयारी करा। भाजपा का संगठन इतना मजबूत है, हालांकि मैं भाजपा की बड़ाई नहीं कर रहा, उसकी राजनीतिक मतलब इलेक्शन किस स्तर पर लड़े हैं वो बात बता रहा हूँ। भाजपा का संगठन इतने बड़े स्तर पर काम कर रहा है, कांग्रेस अभी उससे 10 साल से 15 साल पीछे है। जो आज भाजपा सोच रही है कर रही है वो 15 साल बाद कांग्रेस सोचेगी, उत्तरी के नू करा था भाई नाने। सच बात है, क्योंकि आज जो बदलाव होने लग रहे हैं वे समीकरण किसी ने सोचे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे नायब सैनी जी बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे अनिल विज जी और भव्य बिश्नोई को बना दिया गया है। अब तीसरा जो पॉइंट है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। हम सिर्फ गैस कर सके कि कौन बन सके कौन नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे सोचा भाजपा उससे कई चंदे आगे है। अभी एक मेरे मित्र का फोन आया, बोला यार कल रात हम जवाहर सैनी जी के साथ बैठे थे और चर्चाएं कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि सुबह का सूरज वो एक सीएम पद का देखेंगे और आज वो हमारे सीएम साहब हैं। तो सच में कौन सीएम बन जावे भाजपा का, कौन हट जावे, इनके चेहरे पे सिकन तक नहीं है। भाजपा में मोदी साहब, हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब अक्सर ये कह दे हुए हैं जब तक जिम्मेवारी मिल रही है निभा रहे हैं, जिस दिन जिम्मेवारी छोड़ देंगे जोड़ा उठा के चल देंगे। आज वही स्थिति में मुख्यमंत्री साहब कल पार्टी ज्वाइन कराने लग रहे थे और आज पार्टी में उन्होंने मतलब पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से तो नहीं। अब कांग्रेस कंफ्यूज है किस व्यक्ति को लेकर हम क्या बयान देवा, आज इसको बयान दे दिया कल ना कुछ और प्रतिक्रिया होगी। सच में कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की सोच बहुत पीछे जा चुकी है, माहौल बहुत आगे जा चुका है। सच में अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जो भी हो रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया दो भाई कि अब संगठन में प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सके, बहुत बड़े बदलाव हैं, बहुत बड़े। और आम जनता जहाँ जहाँ जो जो सोच रही है उससे अलग अरे आम जनता तो खैर सोच ही नहीं सकती, उनको तो चार दीवारी के कमरे में बैठ के जो राजनीति प्लान करता है उसके हिसाब से आम जनता सोचती है, आम जनता का कोई दिमाग नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो इतने दिन से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो जो समीकरण है मैं बड़े ही नेता बना, आम जनता का कोई समीकरण नहीं है, कहीं समीकरण नहीं है। तो आम जनता तो सिर्फ रोटी खावा वोट देते है भाई, इसका फालतू कुछ सोच नहीं बनता। उन तो हम कह दे हाँ कि आम युवा बड़ा सक्रिय हो गया, अरे राजनीति उस तभी आकर चली गई भाई। तो फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष कौन